गठबंधन जो है जो भावनाओं का और दो चिंतनों का मिलन होता है और ये दो चिंतन विपरीत दिशा की हैं, विपरीत धाराएं हैं, गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है। जहां भावना नहीं मिलती है वहां गठबंधन होता ही नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से मान के चलिएगा कि राजनीति का व्यापार की है सब और व्यापार का लेन देन हो रहा है। और मायावती जी का तो दुकान बंद हो गया था तो उसने अपने दुकान का चाबी अखिलेश के माध्यम से खोल लिया। अब उसको टिकट पर जो है 10-20 लाख रुपया देने वाले लोग मिल जाएंगे तो उसका दुकान चल गया। और अखिलेश का एक तरह से देखिए तो एक माने फुआ मिल गई तो फुआ से जो थोड़ा सा उसको ये हो गया कि भाई अब हम यहाँ जीरो थे वहाँ थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कोई कोई पूछने वाला मिल जाएगा। नहीं तो केवल मान के चलिए कि ये दो दल नहीं है, ये तो दो परिवार का मिलन है। पार्टी आप लोग कहते हैं पार्टी है, ये दो परिवारों का मिलन है, एक मायावती परिवार और एक जो है मुलायम परिवार। मायावती का नाम तो पहले बदल करके आप लोग दूसरा लीजिए, मेरा नामकरण मैंने उसका नामकरण कर दिया, मायावती नहीं हो वो मालवती है, जहाँ से माल आएगा वही जो है मायावती का प्रत्याशी होगा। तो मालवती है, माल खोजती है, माल बांटती है, माल काटती है। तो क्या अखिलेश की पार्टी माल वाली है जिसको लेके मायावती ने उनके साथ गठबंधन किया? पैसे के लिए चाचा से लूटी लड़ाई हुई, केवल पार्टी के कोष के लिए चाचा को अलग कर दिया, लात मार करके अलग कर दिया, पिता को अलग कर दिया, अपने अध्यक्ष है और डिंपल जो उसकी पत्नी जो है कोषाध्यक्ष है, खाता का संचालन प्रेम से कर रहा है। केवल धन की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं, अब प्रधान नहीं बन सकती है। पिछली बार जो है 00 पाई थी, आपकी बार 0² पाएगी। आप चिंता मत करिए, मोदी जी के पीछे भारत की जनता दीवानी हो चुकी है और मोदी के चरित्र के सामने ये चोर लोग टिकने वाले नहीं।